आपके लिए एक अच्छी खबर है। हर वर्ष की तरह जेसीए करनाल सिटी की महिला विंग एक बार फिर से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही अच्छी एग्जीबिशन का आयोजन करने जा रहा है। आने वाली 6 तारीख को 2 दिन बाद करनाल की तमाम महिलाएं करनाल के होटल प्रेम प्लाजा में सुबह 10 से 8 बजे तक लगने वाली इस एग्जीबिशन का हिस्सा बन सकती है, जहां पर देश भर से बड़ी संख्या में जो महिला एग्जीबिटर्स हैं वो यहां पर पहुंचेंगी, जिसमें फैशन, ज्वेलरी, तमाम क्लोथ से संबंधित जो है एग्जीबिटर्स यहां पर आएंगे। और हम आपको बताएं कि जिस तरह से फेस्टिवल्स की शुरुआत होने जा रही है, दिवाली आने वाली है, करवा चौथ आने वाला है, तो आपको एक ही छत के नीचे तमाम तरह की फैशन और लाइफस्टाइल की तमाम वह चीजें मिलेंगी जिनको लेकर आपको बाजारों में भीड़भाड़ में जाना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि जेसीए करनाल सिटी की तमाम महिला सदस्य यहां पर मौजूद है। तो एक बहुत ही अच्छी एग्जीबिशन जो है करनाल के होटल प्रेम प्लाजा में आने वाली 6 तारीख को लगने जा रही है, इसमें लकी ड्रा भी रहेंगे। तो आप आइए, ज्यादा से ज्यादा बढ़कर आइए और इस एग्जीबिशन का जो है लाभ उठाइए। इसमें जो महिला प्रधान है वो हमारे साथ मौजूद है, हम क्या कुछ बताना चाहेंगे जो एग्जीबिशन लगने वाली है करनाल की महिलाओं के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे करनाल सिटी करनाल को वेलकम करती है, जैसा कि फेस्टिवल फिस्टा के रूप में हम लोग एक एग्जीबिशन लगा रहे हैं जिसमें कई स्टेटों से, 5 स्टेट से और इससे भी ज़्यादा शहरों से हमारे पास एग्जीब्यूटर आए हैं, और जो बहुत सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे लेकर आएंगे जिसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। बस हमारा अनुरोध है कि आप आएँ, देखें और इन्जॉय भी करें, हमारा साथ भी दें और हमारा साथ भी लें, और आप आएँ और सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे प्रोवाइड कराने का हमारा मकसद पूरी तरह से कामयाब होता नज़र आपको आएगा। टाइमिंग 10 से 8 बजे तक रहेंगे, 6 सितंबर प्रेम प्लाजा वीरवार को सुबह 10 बजे से 8 बजे तक एक ही छत के नीचे आपको तमाम फेस्टिवल की चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप आइए और इन्जॉय कीजिए और हमारा साथ और अपना साथ हमें दीजिए। तो आपने देखा कि बेबी खोकर है जो चेयरपर्सन है महिला विंग की, और इस समय निशु सिंगला जो सदस्य हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। हम क्या कुछ बताना चाहेंगे, हर वर्ष की बात इस बार भी जेसीए करनाल सिटी एक बहुत ही अच्छी एग्जीबिशन लगाने जा रहा है। हालांकि इस वीक की भी शुरुआत हो रही है, उसकी शुरुआत महिलाएं कर रही है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए आपकी एक बेहतरीन शुरुआत है क्योंकि तमाम एग्जीबिटर्स जो है महिला सदस्य होंगी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नमस्कार, सबसे पहले तो मैं अपनी करनाल की सभी महिलाओं और बहनों को इस एग्जीबिशन के लिए इनवाइट करती हूँ। और जैसा कि हमारा कोशिश रहती है हर साल, जो महिलाएं घरों में काम करती हैं उनको प्रमोट किया जाए, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। ऐसे एग्जीबिटर्स हमारी इस एग्जीबिशन का वेट भी करते हैं हर साल, तो ये प्लेटफॉर्म एग्जीबिटर एंड शॉपर्स और विजिटर्स दोनों के लिए बहुत अच्छा है। एग्जीबिटर्स अपनी क्वालिटी, वैरायटी, स्पेशलिटी सब कुछ इसमें शोकेस कर सकते हैं, और विजिटर्स एक ही छत के नीचे बहुत कुछ अच्छी शॉपिंग कंफर्टेबली कर सकते हैं। तो मैं इनवाइट करती हूं कि सभी लोग आएं और इस एग्जीबिशन का फायदा उठाएं। थैंक यू। तो ये आपने देखा कि जेसीए करनाल सिटी की तमाम महिला विंग के सदस्य यहाँ पर मौजूद थी, और कहीं ना कहीं हम चाहेंगे करनाल की तमाम महिलाओं से ज्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुंचे, इसलिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे और हम आपको बताएं कि आने वाली 6 तारीख यानी कि 2 दिन बाद जो है करनाल के होटल प्रेम प्लाजा में जेसीए करनाल सिटी महिला विंग की तरफ से यह फेस्टिफिस्टा जो है लगाया जा रहा है, जो फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन है। महिलाएं ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर इस लगने वाली एग्जीबिशन का हिस्सा बन सकती हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज। ऑलमोस्ट शुरू हो ही चुका है, वही करनाल की महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। जहां फेस्टिवल सीजन के लिए अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस थे, किस तरह की आपकी ड्रेसेस होनी चाहिए, किस तरह की आपका होम डेकोर होना चाहिए, तो जेसीआई करनाल सिटी बहुत ही अच्छा एक एग्जीबिशन लेके आई है, फेस्टिवल फिएस्टा, जिसमें आपको एक ही छत के नीचे सभी चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो होम डेकोर हो, चाहे वो साड़ीज हो, ड्रेसेस हो, फुटवेयर्स हो, सभी चीज़ें आपको एक ही छत के नीचे मिलेगी, वैरायटी मिलेगी जिससे आप चूज कर सकते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर आरती मैम, उनसे जानते हैं मैम आप क्या बताना चाहेंगे इस एग्जीबिशन के बारे में करनाल के लोगों से। नमस्कार,
जैसा कि आपको अब तक पता लग ही चुका है कि करनाल में फेस्टिवल फेस्टा के नाम से हम एक एग्जीबिशन लगा रहे हैं। आज हमने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बॉडी डिवीज़न जिम में की है, तो यहाँ पर हम आप लोगों को डिफरेंट टाइप की वैरायटी देखने को मिलेगी। और ये प्री फेस्टिवल हमारी एग्जीबिशन है, आप दिवाली के लिए भी आप अपना होम डेकोर कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, या दिए वगैरह जो कुछ भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप की आपको वैरायटी मिलेगी। मेरी करनाल वासियों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप आएँ और इसका लाभ उठाएँ और देखें कि सच में इस बार कुछ हम अलग से, अलग डिफरेंट स्टेट से हम कुछ अलग सा ही लेकर आए हैं और इसका आप लोग फायदा उठाएं। इसमें एक स्पेशल अट्रैक्शन है, हर एक घंटे के बाद हमारा इसमें एक लक्की ड्रो हम लोग निकाल रहे हैं और फ्री एंट्री है सबके लिए। इसलिए और यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक है, इस बार हमने एक बच्चों के लिए कैरियर काउंसलर भी रखा है, उसमें आप अपने बच्चों को लेकर आएँ और ताकि उसका भी सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा उठा पाएँ बच्चे। थैंक यू। तो मैम कितने यहाँ पर एग्जिबिटर्स आ रहे हैं, कितनी जगहों से आ रहे हैं, कितनी वैरायटी लोगों को मिलने वाली है? यहाँ डिफरेंट 5-6 स्टेट से आ रहे हैं सब लोग और अकॉर्डिंग 35 के करीबन स्टॉल्स यहाँ पर हमारे पास हैं। तो जैसा कि आपने देखा, स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे आने वाले हैं लोगों के साथ, उनके लिए भी बहुत अच्छी एक अट्रैक्शन है जो कि करियर काउंसलिंग रहेगी। वही साथ ही साथ 5 से 6 स्टेट से यहाँ पर डिफरेंट एग्जिबिटर्स आने वाले हैं, डिफरेंट जगहों से आने वाले हैं बहुत अच्छी वैरायटी लेकर। तो जो फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है, चाहे आपको अपने घर के लिए दिवाली के लिए कुछ चाहिए हो, चाहे करवा चौथ के लिए आपने कुछ अपनी खुद की जो ज्वेलरी वगैरह लेनी हो, तो बहुत अच्छे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। 6 सितंबर यानी कि 2 दिन बाद थर्सडे को सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रेम प्लाजा में एग्जीबिशन रहेगा। आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं और पूरी वैरायटी का अच्छे से लाभ उठा सकते हैं। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।